आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में जदयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, घोषणा सूची घोषणा कर दी है, ये क्या आगे हो रहा है? वो क्या क्यों किया ये तो वो जाने। देखिए नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन है उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा, और थमा दिया झुंझुना, संयोजक बनाने जा रहा है। और संयोजक का काम क्या? मुंशी का काम है टेलीफोन करके सूचना देना, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, यही तो काम है। और कौन पूछने वाला नीतीश कुमार को? 44 विधायक के नेता हैं, ममता बनर्जी के 225 विधायक हैं, और बंगाल के अंदर क्या सीपीएम और ममता बनर्जी में समझौता करा सकते? क्या केरल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम में समझौता करा सकते? या छोड़िए यूपी के ले लीजिए, क्या यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस से समझौता करा सकते? इसी में खुश है कि झुंझुना मिल गया, और डरा रहे थे एक महीने से कि अगर कुछ नहीं बनाओगे तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया था। अब इसी में खुश हैं, और जदयू के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज हासिल कर लिया। तो अगर इसी में खुश हैं तो वो खुशी रखिए अपने पास जो है। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।